बैचलर ऑफ फार्मेसी की फीस कितनी होती है, मतलब कि अगर मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट में जाना है फीस कितनी होगी, या प्राइवेट में जाऊं तो फीस कितनी होगी। तो हॉस्टल और मेस को मिलाकर पर ईयर का आराम से आपका खर्चा कम से कम। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों हालांकि देखे जाए तो कोर्स तो कई है, जिन कोर्सेज को आप कर सकते हो 12वीं कंप्लीट करने के बाद, उन्हीं में से एक कोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। दोस्तों कई सारे कोर्सेज, अगर हम बात करें MBBS की, BDS की, BAMS, BUMS, BHMS की बात करें, BBT कोर्स की बात करें, BNYS की, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कोर्सेज पढ़ने के बाद में आप डॉक्टर बन जाते हैं या फिर आगे मेडिकल किसी भी लाइन में निकल जाते हैं। ऐसा ही एक कोर्स आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर मोड पे इसके एग्जाम्स होते हैं। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं आप लोगों के दिल में कि इसकी फीस कितनी होगी, मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर हम करना चाहते हैं उसकी फीस क्या होगी किसी भी कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उन सब क्वेश्चंस का आज मैं जवाब दूंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने कई कॉलेजेस को एक्सप्लोर किया, रिव्यू किया उनका, काफी यूनिवर्सिटीज में हमने विजिट किया, आपके सवालों को लेकर हम गए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में और पूछा उन यूनिवर्सिटीज से। ऐसा ही एक सवाल हमारे पास लगातार जो पूछा जाता है कि सर बैचलर ऑफ फार्मेसी की फीस कितनी होती है, मतलब कि अगर मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट में जाना है फीस कितनी होगी, या प्राइवेट में जाऊं तो फीस कितनी होगी। दोस्तों जानने के लिए सबसे आसान तरीका तो आपको यही है कि पहले आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में ही ट्राई करें। अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाता है, एक तो रेप्यूटेड होता है, रेप्यूटेशन बहुत अच्छी होती है, आपको मान्यता पर सवाल कोई जवाब होगा नहीं, मतलब कि सवाल नहीं होगा आपके दिल में किसी भी तरह का, और साथ में ही मान्यता को लेकर मतलब कि PCI फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है कि नहीं उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज को, आपके दिल में इस तरह के सवाल होते नहीं है, तो बेहतर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ही चयन करें। आप जाएंगे बहुत सस्ते में, आप आसानी से पर ईयर में एडमिशन ले लेंगे, 10-20 हज़ार में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। बट सवाल यहां पर आता है प्राइवेट कैंडिडेट जो प्राइवेट किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, अच्छी परसेंटेज 12th में नहीं है, साथ में ही उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है या फिर उनके पास ऐसा कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए या किसी भी तरह से डिस्काउंट मिल जाए, तो आप जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के पास। कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने जाते हैं बी फार्मेसी के लिए तो आपकी जो फीस हो सकती है वो फीस होगी 50,000 रुपए से लेकर 75,000 तक पर ईयर की फीस आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए हो सकती है। 4 साल का कोर्स है, अगर 50,000 पर ईयर हुई तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आपका इसमें आ सकता है। हॉस्टल और मेस अगर आप रहेंगे किसी भी कॉलेज में जाकर, जो हॉस्टल्स होंगे उसके या फिर जो खाना पीना होगा उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। मुद्दा यही है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं हॉस्टल्स की वजह से, एजुकेशन की वजह से, एक्सपोजर की वजह से या कुछ भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है उसकी वजह से। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं मैं या चाहती हूं, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए फीस कितनी है। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां की फीस आप मान के चलना मिनिमम 70,000 रुपए से लेकर 1,25,000 तक फीस हो सकती है, मतलब की 70,000 से लेकर लगभग 1,25,000 तक पर ईयर की फीस होगी विदाउट हॉस्टल विदाउट मेस। इतना तो होना ही चाहिए पर ईयर आपका बजट अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं। दोस्तों जो फीस के बारे में आपको मैंने बताया है, जो हॉस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो हॉस्टल और मेस को मिलाकर पर ईयर का आराम से आपका खर्चा कम से कम 40,000 रुपए तो खर्चा आएगा ही, रहना खाना पीना सब कुछ मिलाकर। इतना बजट होना चाहिए तो ही आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी करने की सोचें, अदरवाइज आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर सिर्फ
कॉलेज में जाएं, जो प्राइवेट छोटे कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपके बजट में आ सकता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। दोस्तों आपके दिल में कोई भी किसी तरह का सवाल है या फिर आप चाहते हैं कोई भी असिस्टेंस एडमिशन को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक कमेंट करें ताकि हम आपको रिप्लाई करें और आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने में मदद कर सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि किसी तरह की जो हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।